हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। आज आपके जो अपडेट लेके आया था, आज 1 मार्च है 2019 और आज रेन इंडस्ट्री पे अपडेट लेके आया था। रेन इंडस्ट्री एक अच्छी कंपनी है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसमें फाइनेंशियल आपको पोजीशन बनाना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इसमें एक थोड़ा निगेटिव पैटर्न है और मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। मुझे लगता है कि ये अभी इसका बॉटम फॉर्म नहीं हुआ है और इसमें स्टिल आपको हो सकता है कि फॉल देखने को मिल सकता है। अगर रेन इंडस्ट्रीज इन इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क, कार्बन प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड सीमेंट्स, 90 रुपये पे चल रहा है। सेल्स ग्रोथ थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है और रिटर्न ऑन इक्विटी 24% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 17% है। फेस वैल्यू 2 रुपया है। फेस प्राइस टू कैश फ्लो बहुत अच्छा है इसका। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत बहुत अच्छा है। इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.18 अच्छा है। डेप्ट इसके पास 7000 है। 1900 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जो पी रेशियो है वो 5 टाइम्स है, बहुत बड़ा नहीं है। डिविडेंड देती है 2.2% का। तो एज ए कंपनी एज ए फाइनेंशियली ख़राब नहीं है। रिसेंटली कुछ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्शन से उसका जो CPC होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो इम्पोर्ट नहीं होता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने पहले दे चुके हैं, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। टेक्निकली क्या हो रहा है इसमें, टेक्निकली क्या हो रहा है कि ये कंटिन्यू फॉल पे बना रहा है और अभी भी देखेंगे तो इसका एक पैटर्न है, सी पैटर्न ये फॉलो करता है। लगभग आप देखेंगे इसको तो एक सी पैटर्न को ये फॉलो करता है। और अब ये देखिए, एक हार्मोनिक पैटर्न है, ये इस तरह से फॉलो करता है, ऐसे सी, फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये सी, और फिर यहाँ से देखेंगे तो ये सी। तो ये अब से इसके क्राइटेरिया का ये अब ऊपर होता है और आप देखेंगे बीच में एक बार थोड़ा सा डब्लू टाइप का बनाता है, बट ये सी पैटर्न पे है, हार्मोनिक सी पैटर्न पे। ये देखिएगा तो एक बर्तन की तरह बनाता है, वो सर्कुलर बर्तन। तो ये कोने से ये कोने अप रहता है, फिर यहाँ पे भी देखेंगे तो ये यहाँ पे बनाया और यहाँ पे बनने नहीं दिया और ये ऊपर गया। ये बना थोड़ा सा ऊपर बट यहाँ के बाद देखेंगे टूट के ऊपर चला गया। फिर ये कोशिश किया यहाँ पे बनाने के लिए, फिर टूटा, यहाँ ब्रेक हो गया, नहीं बनने दिया। फिर यहाँ पे कोशिश ये हो रहा था कि ये बनाएगा, यहाँ बनाएगा, नहीं बनाया, तोड़ दिया। यहाँ पे भी कोशिश हो रही थी, तोड़ते यहाँ पे ऊपर लेने, यहाँ पे भी नहीं लिया। और अभी भी यहाँ पे एक ट्राई हुआ था कि यहाँ पे कोशिश करेगा, यहाँ पे भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पैटर्न बराबर बन जाता अगर ये इसको यहाँ से ऐसे कवर के कवर लेता, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं इसको कोशिश करूँ सी बनाने के लिए यहाँ से ऐसे करके, तो ये एक डब्लू बनाता, तो वो डब्लू नहीं बना इसमें। आप देखेंगे एक बार ऊपर लेके फिर ऐसे करके बनाता है, तो सी एंड डब्ल्यू का कॉम्बिनेशन है। ये हार्मोनिक पैटर्न अभी भी बनते हुए नहीं दिखता है। तो इसमें क्या और मेजर चीज़ है, आप देखेंगे यहाँ पे तो ऑलरेडी आप देखेंगे पहले 50 दिन को तो ऑलरेडी पहले क्रॉस कर चुका था, ये पहले ही कर चुका है 50 दिन को क्रॉस, 20 दिन का एवरेज जो है। अब क्या किया इसने, अभी 200 के एवरेज को भी यहाँ पे क्रॉस कर दिया, तो दोनों को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है और अभी भी इसमें अप ट्रेंड नहीं चालू हुआ है और ये कंटिन्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ही डायरेक्शन में चल रहा है। ये देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऐसे करके चल रहा है। अगर MACD की लाइन बताऊँ, मैं आपको MACD के बारे में बताऊँ, तो MACD भी देखिए यहाँ पे से 6/8/2018 से ऐसे ऐसे अप डाउन करके उलझ के चल रहा है और अभी जो नीचे फॉल के बार जो बन रहा है नीचे की ओर बन रहा है। अभी तक इसमें कोई ग्रीन बार बना नहीं और नीचे की ओर ही बार बन रहा है और यहाँ पर आप देखेंगे सांप की तरह यहाँ पर उलझता हुआ बन रहा है। ये सारे चीज़ों को देखते हुए एक बार लग रहा है कि ये नीचे की ओर जाने के लिए तैयार है, बेसब्री से तैयार हो रहा है। और दूसरा चीज़ आपको बताऊँ, जब ये अप था तो ये देखिए अपने बॉलिंगर बैंड के अपर पोजीशन को टच कर रहा था, यहाँ पे भी एक बार ट्राई किया, बाहर नहीं निकला, फिर नीचे जा रहा है और नीचे जा रहा है। तो इसका जो लोअर पोजीशन है 85, इसका जो लोअर ये जो है अब देखेंगे जो इसका 78 है, तो 78 के पास इसका एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसको मिलेगा वीकली बेसिस पे। और डेली बेसिस पे अगर देखने की कोशिश करें तो डेली बेसिस पे आपको यहाँ पे एक 85 का आपको सपोर्ट मिलता है। तो 85 या 78 कर लीजिए, आप जो भी समझिए, इसको अगर तोड़ता है तो आपको 53-57 देखने को मिल सकता है। तो एक 88 ऑलरेडी ये लो बना चुका है अपना, जो इसका लो है 52-week लो 88 है, 405 का हाई बनाया हुआ है ये ऑलरेडी। इस पर बहुत सारी वीडियो दिया हुआ है आपको। अभी ये थोड़ा अप ट्रेंड लिया हुआ है। वॉल्यूम पैटर्न अगर हम वॉल्यूम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए डिलीवरी परसेंटेज देखिए 49%, 31% है वॉल्यूम। अभी अपसाइड चल रहा है, आप टोटल ट्रेडेड वैल्यू देखिए तो 10,93,000 हो रहा है
19 लाख, 11 लाख, 33 लाख, 36 लाख, ये 2 दिन से वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, 27-28 से वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन प्राइस में फॉल देखने को मिला। मीन्स ऊपर से सेलिंग हो रही है, डिलीवरी बेस्ड सेलिंग दिख रहा है। और अगर इसका वॉल्यूम वेटेड एवरेज देखूँ मैं इसका, तो 102 के जगह पे 97 की क्लोजिंग दे रहा है, 92 की जगह 90 की क्लोजिंग दे रहा है। मीन्स अब जो डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है वो थोड़ा फास्ट हो रही है और वॉल्यूम वेटेड एवरेज के नीचे हो रही है। मीन्स हर कंडीशन पे उस को शेयर रेट को देने के लिए तैयार है, रेट जा रहा है, तो मतलब वॉल्यूम ज़्यादा है और रेट उस हिसाब से फेंका जा रहा है, जिस रेट में बिक जाए निकल जाए। अब यहाँ पे देखेंगे भी यहाँ पे, तो अब देखिए दो वॉल्यूम स्ट्रांग बना और इससे प्राइस की ओर फॉल हो रहा है। अब ये वॉल्यूम जो है ना, ये वॉल्यूम से आप सोच रहे होंगे बाइंग हो रहा है, ये वॉल्यूम से बाइंग नहीं हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से यहाँ वॉल्यूम देखने को मिला, उस तरह से यहाँ पे प्राइस में कुछ भी देखने को नहीं मिला। और रिसेंटली अगर हम आपको कोई भी वॉल्यूम दिखाएं, किसी भी वॉल्यूम में, इसमें बाइंग अपसाइड ले जाने के लिए नहीं आ रही है, ये कंटिन्यू यहाँ से फॉल ही कर रही है। और ये यहाँ पे देखिए जो मैं बोला था, ऊपर की ओर जाके एक यहाँ पे सी पैटर्न बना था, लेकिन उससे पहले एक यहाँ से कंटिन्यू एक नीचे की ओर ही बना रहा है, कहीं पे भी नहीं बना रहा है, ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। और अगर मैं इस चार्ट पे भी दिखाऊँ, अगर मैं इसको देखूँ, तो आप देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करने की कोशिश भी नहीं कर रहा, 110-113 को। तो अगर ये यहाँ पे 110-113 को क्रॉस करने की कोशिश करता है, तब तो एक बार ये ऊपर की ओर जा सकता है, अदरवाइज अभी भी इसमें आपको नीचे का पोजीशन देखने को मिल सकता है। और जैसे यहाँ पे दिखाया आपको कि 85-87 के पास यहाँ पे सपोर्ट है, उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो आएगा 54-55 के पास। ये दो सपोर्ट आप याद रखिए, 87, उसके बाद आपको सीधा 55 के पास सपोर्ट आएगा। और चूंकि ये अपने हार्मोनिक पैटर्न को कन्फर्म अभी तक नहीं किया है, ना ही तो ये अपने ट्रेड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें भी देखें तो ये ट्रेंड को अभी, ट्रेंड को कहीं पे भी क्रॉस, ट्रेंड के बहुत नीचे है, तब कुछ भी देख लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये लो ही पैटर्न बना रहा है और ये कंटिन्यू अपने ट्रेंड को। और देखिए यहाँ पे, यहाँ से अप लिया यू और यहाँ पे यू बना करके नीचे भी, कैंडल भी बोल सकते हैं इसको, तो भी की तरह यहाँ पे जैसे इसने अप लिया था वैसे ही ये फॉल दिखा रहा है। और ये आपको मंथली बेसिस पे आपको अगर देखना है, तो मंथली बेसिस पे आपको अगर मैं दिखाऊं तो एकदम आपको ये पता चल जाएगा कि जैसा ये पैटर्न लिया था वैसे ही ये फॉल करने को तैयार है। एक मिनट देखिए, ये जैसे अप लिया वैसे ही मंदिर बनाते हुए यहाँ से नीचे की ओर, हर एक चीज को फॉलो करते हुए नीचे की ओर आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके बाद जो लो बनेगा, हो सकता है 65-85 का बनाएगा, और 65-85 का लो बनाते हुए वॉल्यूम तो डिलीवरी बेस सेल ही हो रहा है, मंथली बेसिस पे आप देखेंगे कहीं बाइंग ने आपको दिख नहीं रहा होगा और ये सेल ही हो रहा है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको यहाँ पे लगता है कि आपको ये 53-54 जो है, यहाँ पे देखिए इस कैंडल को देखें तो 53.55, तो 53.55 तक ये जाने को लगता है कि ये तैयार है। और इसमें अभी भी चूंकि हार्मोनिक पैटर्न इसमें कन्फर्म नहीं हो रहा है, ये जो पैटर्न बनाता है, ये पैटर्न जो है इसका, वो कन्फर्म अभी भी नहीं कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये जो पैटर्न है इसका, ये ऐसे आता है, थोड़ा सा ऊपर की ओर लेता है, फिर सी बनाता है, और जब भी बनाता है तो यहाँ से ऊपर की ओर बनाता है, मतलब इसका जो लो होगा इससे ऊपर की ओर जाएगा वो। तो ये जो पैटर्न बनाता है ये बहुत अच्छा बनाता है, ये देखिए यहाँ से ऐसे बना है, थोड़ा सा ऊपर लिया लेकिन ऊपर जाता नहीं है, फिर नीचे की ओर जाके सी कर्व बना के ऐसे ऐसे सी बनाता है ऐसे, और यहाँ से इसके ओर ऊपर लेता है। यहाँ पे ऐसा कोई पैटर्न यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, सीधा यहाँ पे यू देखने को मिल रहा है, सीधा ये भी बन गया। तो इस पैटर्न से मुझे नहीं लगता कि ये अपने पैटर्न को गेन कर रहा है। दूसरा अगर मैं देखूँ तो ये अपने 20 दिन के 200 के डेमा को क्रॉस करते हुए नीचे की ओर जा रहा है, और अगर ये कट सीधा स्ट्रेट क्रॉस कर रहा है, ये पैटर्न बहुत ऐसा थोड़ा ऐसा साइड भी रहता है तो लगता है ऊपर की ओर जा रहा है। तो मुझे किसी भी तरह से इसमें वॉल्यूम भी देखेंगे तो आपको हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें सेल की कोई डिलीवरी बेस्ड हो रही है, सेल हो रही है। पहले आप हो रहा था 9 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 11 लाख, अब 33 लाख, 36 लाख वॉल्यूम के साथ सेल किया जा रहा है। तो थोड़ा सावधानी बरतें इसमें, हो सकता है ये आपको 55 तक के लेवल को देखने को मिल सकता है। ये जो भी बताया ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जो था, जैसा आपको ट्रेड देख के बताया वैसा है। डिलीवरी परसेंटेज 81 बता रहा है, ओनली सेलर्स इन रेन इंडस्ट्रीज। आप देखिए जो मैसेज भी है 27 फरवरी का, ओनली सेलर्स इन रेन इंडस्ट्रीज। तो मुझे कहीं पे भी इसमें अच्छा पैटर्न बनते हुए दिख नहीं रहा है,
देखिए ऐसा नहीं कि छोड़ के भागना है, ये आपको 93-22 की जगह करंट प्राइस 94 वैल्यू वेटेड 22 था, 45 पे क्लोजिंग दिया है तो बहुत अच्छा क्लोजिंग नहीं है। जब अप में भी लिया तो बहुत अच्छा नहीं लिया है मेरे अंदाज से। ये आपको अभी इसमें धीरे धीरे पोजीशन बनाना चाहिए, इसको एक्वायर करके रखना चाहिए। ये 255 का जो आपको कैम बताया है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा और ये आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न देगा। तो मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ कि आप सेल करके भुला जाइए इसको, या सेल कीजिए एक्वायर कीजिए, बट अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ 20% बाई कीजिए। अभी ये 55 के लेवल को दिखा सकता है, तो 78 के स्टॉप लॉस से आप चाहें या 85 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो 85 का ही स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर उसको नीचे जाता है तो 55-57 दिखा सकता है। तो अगर आपको लगता है निकलने की तो जरूरत है नहीं, अभी भी क्या करेंगे निकल के, जब ये ऊपर 440-445 से गिर रहा है तो इतना निकल के भी क्या करेंगे। तो इसको एक्वायर कीजिए, बट अपने 20% से पोर्टफोलियो का वॉल्यूम एक्वायर कीजिए और आप देखेंगे तो ये आपको अच्छा खासा रिटर्न आपको देने का दम रखता है। ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में सब डिटेल दिया हुआ है कंपनी क्या करती है क्या नहीं करती है। फिर भी आप कोई भी पोजिशन बनने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत